हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मनोज बाधवा और जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे वो है शोल्डर जॉइंट एंड शोल्डर आर्थराइटिस विद शोल्डर रिप्लेसमेंट। सो शोल्डर यानी कंधे का जोड़। अब कंधे का जोड़ जो है हमारा, उसमें तीन हड्डियां हैं जो उसको मिलकर बनाती हैं। अगर मैं लेफ़्ट शोल्डर से जाऊँ, नंबर वन मेरी आर्म बोन, जिसका उप तो हम ह्यूमरस कहते हैं उसका बॉल, फिर मेरा शोल्डर ब्लेड जिसे हम स्कैपुला कहते हैं, और मेरी कॉलर बोन जिसे क्लेविकल कहते हैं। ये तीन बोन्स मिलकर अपने लिगामेंट्स के साथ साथ हमें शोल्डर जॉइंट में हेल्प करते हैं। सो हमारा जो कंधे का जोड़ है ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो आसपास की मसल्स रोटेटर कफ और डेल्टॉइड के साथ साथ हमें फॉरवर्ड मूवमेंट, आउटर मूवमेंट, एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन, ये सब मूवमेंट्स में हेल्प करता है। अब जिन केसेस में आर्थराइटिस होता है, अब वो केसेस कौन से होते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि उम्र के साथ बढ़ने वाला आर्थराइटिस, उसके बाद आएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया जिसमें के जॉइंट्स ख़राब हो सकते हैं, फिर उसके बाद किसी भी फ्रैक्चर में या एवेस्टेनोसिस जहां पर बॉल की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाए। इन सब केसेस के अंदर हमारे जो ह्यूमरस यानी कि जो आर्म बोन का सरफेस है, कार्टिलेज है, जो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, वो प्रोटेक्टिव लेयर ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब वो ख़राब होना शुरू होती है तो बोन्स आपस में, रॉ एरियाज़ आपस में रब करते हैं, वो कंधे की मूवमेंट पेनफुल हो जाएगी और वो पेशेंट जो है अपनी बाजू को नॉर्मली मूव नहीं कर पाएगा। जैसे कि उसको बाल बांधने हैं, अपने कपड़े टाइप करने हैं, वो सारी मूवमेंट्स उन सब के लिए पेनफुल हो जाएंगी। इसी के साथ साथ कुछ केसेस में जो कंधे का फ्रैक्चर होता है, जहाँ पे हमारी जो एरियाज आपस में आर्टिकुलेट कर रहे हैं वो फ्रैक्चर होते हैं, उन केसेस में भी हमें शोल्डर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब शोल्डर जॉइंट डैमेज होने के ऊपर हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट जाने से पहले हम हमेशा नॉन ऑपरेटिव ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करते हैं, यानी कि उसमें हम हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, एक्सरसाइजेज, फिर थेरेपी से रेंज ऑफ मोशन स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम होता है शोल्डर्स के लिए जो करते हैं, उसके अलावा जॉइंट प्रोटेक्टिव मेडिसिन यूज़ करी जाती हैं। ये सब कुछ ट्राई करने से भी अगर आप कामयाब नहीं हुए और आपकी तकलीफ़ कंटिन्यू कर रही है, तो उन केसेस में शोल्डर रिप्लेसमेंट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अब शोल्डर रिप्लेसमेंट के अंदर दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। नंबर वन इज़ हेमी आर्थोप्लास्टी। हेमी आर्थोप्लास्टी मीन्स अगर कोई ओल्ड एज लेडी है जिसका शोल्डर का ये बॉल फ्रैक्चर कर गया लेकिन उसका बाकी सब ठीक है, तो उन केसेस पे आप सिर्फ ये जो आर्म बोन का सरफेस है ये रिकैप करोगे और बाकी सब शोल्डर जॉइंट वैसे ही रहेगा, और इसे हम हेमी आर्थोप्लास्टी कहते हैं। टोटल शोल्डर आर्थोप्लास्टी मतलब कि दोनों एंड्स आपस में रब कर रहे थे और आपने ये दोनों एंड्स, हमारा जो ये एंड है हमारे शोल्डर बोन का, इसका सरफेस भी चेंज किया, ग्लिनॉइड कहते हैं इसको, ये ग्लिनॉइड भी आपने प्लास्टिक से चेंज किया, मेटल का हेड ह्यूमरस का चेंज किया और अब आपकी नॉर्मल मोशंस चल रही है, तो इसे हम टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट कहते हैं। अब कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि हमारे ये आसपास के मसल्स जिसे हम रोटेटर कफ कहते हैं ये भी फट जाते हैं एज के साथ, वेयर एंड टेयर हुआ, आसपास के मसल्स रप्चर हो गए। उन केसेस में जो हमारा बॉल कब से घूम रहा था वो बॉल ऊपर जाना शुरू हो गया, मसल का मूवमेंट ख़त्म हो गया, तो इन मसल्स डैमेज होने के बाद जो पेशेंट की प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि वो बाजू को ऊपर उठा ही नहीं पाते, वो नॉर्मल एक्टिविटी कर ही नहीं पाते। तो अगर उन केसेस में आप ये नॉर्मल टोटल शोल्डर करोगे तो वो कोलैप्स कर जाएगा क्योंकि वो मूवमेंट नहीं दे पाएगा। उन केसेस में जो टेक्निक करी जाती है वो एक स्पेशल सिस्टम होता है, वेरी वेरी सक्सेसफुल, कॉल्ड एज अ रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। रिवर्स शोल्डर जैसे नाम बताता बड़ा टिपिकल है, बॉल हमारा इस साइड शोल्डर बोन में आ जाएगा और कप हमारी अप बोन में आ जाएगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इस रिवर्स शोल्डर में ये मेरी आर्म का एरिया आ गया है, ये मेरा शोल्डर ब्लेड का एरिया आ गया है, बॉल मेरा यहाँ पे आ गया, कप यहाँ पे आ गया। इसको ध्यान से देखिए, ये इस चीज़ से पूरा रिवर्स है, ये मेरा टोटल शोल्डर है और ये मेरा रिवर्स शोल्डर है। इस चीज़ के अंदर मेरे जो रोटेटर कफ मसल्स का रोल जो है वो ख़त्म हो गया और हमारा जो एक नॉर्मल आर्म लिफ्टिंग मसल डेल्टॉइड होता है वो सारा मसल टेक ओवर कर लेता है। रिवर्स शोल्डर हमें बहुत अच्छी मूवमेंट्स देता है और उन सब केसेस के अंदर जिनमें मूवमेंट्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, आप इन वीडियोस में देख रहे हैं कि वो मूवमेंट्स पहले पेशेंट की है ही नहीं है और आप वो पूरी अपनी बाजू उठा पा रहे हैं, तो रिवर्स शोल्डर इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव पैरामीटर
दिस इज़ मोर सर्जिकली डिमांडिंग, बट अगर आप इसको करने का स्टाइल जानते हैं तो पेशेंट्स के लिए दिस इज़ द नेक्स्ट रेवोल्यूशन इन शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। कुछ केसेस में हम एक टर्म यूज़ करते हैं CTA हेड, यानी कि रूट ऑफ मसल्स नहीं है, लेकिन साथ साथ में हम रिवर्स शोल्डर भी नहीं करते, तो एक बेल आउट ऑप्शन होती है जिसे CTA हेड कहते हैं। डिफरेंस क्या होता है, इस हेड के बजाय उसकी लंबाई यहाँ तक जाती है, काफ़ी एक्सटेंडेड होता है, फ्रंट कवर होता है और वो हमारे इस पूरे आर्क के साथ मूव करता है, उसे CTA हेड कहते हैं। सो शोल्डर रिप्लेसमेंट बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर मैं समराइज़ करने की कोशिश करूं तो जिन केसेस में फ्रैक्चर होते हैं नॉर्मली, उन केसेस में हम सिर्फ इस बॉल को चेंज करते हैं आर्म बोन के ह्यूमरस के, जिसे हम हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। अब उसके बाद वो केसेस जिसमें हमारा आर्थराइटिस है, हमारे दोनों सरफेस डैमेज्ड है, वहाँ पर हम टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट करते हैं। अब जिन केसेस के अंदर हमारे सर्फेसेस भी डैमेज्ड हैं और साथ साथ में हमारी मसल्स का रप्चर है, या हमारा प्रीवियस टोटल शोल्डर फेल कर चुका हुआ है, या बोन की प्रॉब्लम है, उन केसेस में हम रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट पे जाते हैं। सो आज की डेट में शोल्डर सर्जरी बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि इस जोड़ पे हमारा बॉडी वेट भी नहीं पड़ता। तो वंस सर्जरी इज़ डन, इट हैज़ अ पोटेंशियल टू लास्ट योर लाइफ टाइम। सो व्हेनेवर यू हैव शोल्डर आर्थराइटिस, फर्स्ट ट्राई ऑल नॉन ऑपरेटिव पैरामीटर्स, डिस्कस विद योर सर्जन, डिस्कस विद योर फिजियोथेरेपी टीम, फॉलो गुड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, वो प्रोटोकॉल्स जैसे फॉलो करिए, मेडिसिन लीजिए, और सब कुछ अगर फेल हो जाए तो उन केसेस में आपके पास रामबान यानी कि शोल्डर रिप्लेसमेंट अभी भी एफिशिएंट है, जो कि 99.5% केसेस में आपको बहुत सक्सेसफुल आउटकम्स देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।